आज का जो वीडियो रहने वाला है काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। खास तौर पर वीडियो लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, जिसमें रक्त संबंध से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ हम आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, मात्र 4 क्वेश्चन बताऊंगा। रक्त संबंध से 4 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो मात्र आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, वो आपने कॉन्सेप्ट से समझ लिया। कोई भी क्वेश्चन हो आपको महिला पर्यवेक्षक में रक्त संबंध से कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसा ही बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महिला पर्यवेक्षक की क्लास। पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो मिल सके, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध से। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा, वीडियो का लाभ जरूर लीजिएगा। मान लीजिएगा आपको मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, 3 ट्रिक आपने पढ़ लिया, रक्त संबंध से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होता है जो ए प्लस और बी माइनस। देखिए प्लस का मतलब होता है पुरुष और माइनस का मतलब होता है महिला, ठीक है। याद रखना, पति पत्नी वाला सवाल आता है, भाई बहन वाला सवाल आता है, पुत्र पुत्री वाला सवाल आता है, पिता बेटे वाला सवाल आता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसी गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए मात्र हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो सिंबल है आपका, ये जो देख रहे हैं ना सिंबल, आपको भाई बहन वाला सिंबल है। चलिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दे रहता हूँ, भाई और बहन, ठीक है। भाई और बहन का जो सिंबल होगा इस प्रकार का होगा, ठीक है। ए का जो भाई है कौन है, ए। बी का मतलब जो भाई है कौन है, ए, है ना। याद रखना सिंबल आपको समझाते चल रहा हूँ। पति पत्नी वाला मान लीजिएगा आपका पति, ठीक है, ये आपका पति हो गया, ये आपका पत्नी हो गया, ठीक है। पति पत्नी का जो सिंबल होता है किस प्रकार होता है, तो ध्यान से समझना। पति और पत्नी का मान लीजिएगा आपका ए, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस, बी माइनस। तो बी का पति कौन है, ए। ए की पत्नी कौन है, बी। ये जो सिंबल है आपका ना पत्नी हो गया और ये आपका हो जाएगा पति। याद रखना इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये आपका पति हो गया, ये आपका पत्नी हो गया, ये आप सिंबल याद रखना इस प्रकार का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पुत्र वाला, पुत्र वाला सिंबल देखेंगे। तो देखिए पुत्र का सिंबल होता क्या है, ये मान लीजिएगा ये आपका पिता है, तो पिता के दो बेटे हैं, तो पिता के दो बेटे हैं ए प्लस बी प्लस, या इसको मान लेते हैं, इसको मान, चलिए इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। एक ए दो बेटे हैं, तो ये इसका हो जाएगा पुत्र, है ना, ये आपको पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिता, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, इस वाले सिंबल को समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिएगा ये आपका ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ गया मतलब पुत्र वाला हो गया, या फिर पिता वाला हो गया, या फिर पुत्र वाला हो गया, ठीक है, पुत्र वाला हो गया या फिर पिता वाला हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ लिए क्या, ये सिंबल आपको समझ आया, ये समझ गया मतलब कोई भी क्वेश्चन रक्त संबंध से नहीं छूटेगा। देखिएगा ए से बी का क्या संबंध है, ए से बी का क्या संबंध है, बस यही समझना है आपको, ए से बी का क्या संबंध है, ए से बी का क्या संबंध है, ए से बी का क्या संबंध है, बस ए से बी का क्या संबंध है, बी क्या होगा, इनकी क्या होगा, इसका पति होगा, बी इसका क्या होगा, भाई होगा। यहां पर आपको बताया ना भाई बहन वाला सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर आप स्वयं खुद बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहां पर हम मात्र 4 क्वेश्चन देखेंगे, ये 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एम और एन भाई हैं, एम और एन भाई हैं, एन की पत्नी जे है, तो जे से एम का क्या संबंध है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए एम और एन भाई हैं, देखिए अब क्या सिंबल बनाया था मैं आपके लिए, एम और एन भाई है, तो इसके लिए क्या सिंबल रहेगा, इस प्रकार एम और एन क्या है, भाई है।
लेकिन किसका भाई है किसका भाई नहीं ये हमको अभी मालूम नहीं है। ठीक है, एन की पत्नी जे है, एन की पत्नी, अब देखिए अब ये प्लस हो गया, एन की पत्नी जे है, जे आपका माइनस, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। देखिए एम और एन भाई हैं पूछा गया, लेकिन अभी मालूम नहीं था। अब आगे क्वेश्चन पढ़े तो हमें समझ में आया कि एन की पत्नी जे है, यानी कि जे की पत्नी है, और ये हो जाएगा आपका पति। तो पूछा गया जे से एम का क्या संबंध है, तो पूछा गया जे से एम का क्या संबंध है, एम का क्या संबंध है ना, जे से किससे पूछा गया, खुद से, यहां से मैं आपको बताया था ना, जैसे एम क्या पूछा गया यहां से, जे से एम का क्या संबंध है, जे से एम का क्या संबंध है, जे से एम का क्या संबंध है ना, जे से एम का क्या संबंध है, तो आप बताएंगे ये आपको क्या कहलाएगा, देवर, क्या कहलाएगा, देवर। ये एन का भाई है पूछा गया, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका पत्नी है तो उसका भाई क्या होगा, देवर ही होगा। अगर पूछता यहाँ पर एम रख देते और जे से क्या संबंध है, तो चलिए इसका अगर हम यहीं पर आपको बता देते हैं, एम यहाँ अगर रख देते, जे यहाँ लिख देते, एम से जे का क्या संबंध है, जो एम है ना जे से क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या हो जाती, भाभी कहलाती, क्या कहलाती, एक मिनट है, भाभी हो गया ना, भाभी, ठीक है, भाभी कहलाती, ये कैसा, एक मिनट ना, ये आपका हो जाएगा भाभी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार पूछता तो ये आपका क्या कहलाता, भाभी कहलाता, जबकि पूछा क्या गया है जे से एम से, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यह आंसर देवर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई का भाई है, ठीक है, एक्स वाई का भाई है जबकि वाई जेड की पत्नी है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का भाई है, ये आपका क्या हो गया, एक्स, ठीक है, एक्स वाई का भाई है, वाई का भाई है, ये आपका क्या हो जाएगा, भाई है, ठीक है, यानी कि प्लस। ठीक है, ये महिला है कि पुरुष है अभी मालूम नहीं है, जबकि वाई जेड की पत्नी, जबकि वाई किसकी पत्नी है, जेड की, तो जेड इधर लिख लेते हैं, ये आपका जेड हो गया, जबकि वाई जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, ये इस प्रकार सिंबल बनेगा, पत्नी है और ये पुरुष है ना, तो इसकी पत्नी है, तो यहां पर लिख लेते हैं पत्नी, ठीक, ये हो जाएगा पति, है ना। अब पूछा गया है जेड डब्ल्यू का भाई है, जेड जो है डब्ल्यू का भाई है, यहाँ पर W बना लेते हैं, जेड जो है W का भाई है ना, बहन है कि पुरुष, बहन है कि पुरुष है, लड़का है कि लड़की है, अभी मालूम नहीं है। ठीक है, अब पूछा गया तो X का Z से क्या संबंध है, भाई वाले सिंबल में इस प्रकार बनेगा, पति पत्नी में इस प्रकार बनेगा, जैसे कि आप इसको फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका भाई बहन का सिंबल है, ठीक है, इसके बाद ये आपका हो जाएगा पति पत्नी का, ये हो जाएगा पुत्र बेटे और पुत्र का, ये तीनों सिंबल है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो पूछा गया ऑप्शन में ए पुत्र, बी साली, सी साला, डी पुत्री, ठीक है, तो क्या आएगा, जेड डब्ल्यू का भाई है तो एक्स का जेड से क्या संबंध है, जो एक्स है जेड से क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, तो क्या होगा, पत्नी की भाई है तो ये क्या आ जाएगा, साली, यहां पर पूछा गया है एक्स, तो क्या आ जाएगा, साला, क्या होगा इसका, साला आएगा, तो आंसर सी होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आर के दो बच्चे हैं, मान लीजिएगा आर के दो बच्चे हैं, जैसे कि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, चलिए यह वाला क्लियर हो गया होगा। देखिए आर के दो बच्चे हैं, एम और एन, मान लीजिएगा आर के दो बच्चे हैं, आर के दो बच्चे हैं ए और ये दो, आर के दो बच्चे हैं एम और एन, ठीक है, आर के दो बच्चे हैं, ये वाला हो गया, ये सिंबल हो गया, ठीक है, आर के दो बच्चे हैं एम और एन, आर की पत्नी एस है, अब आर की पत्नी, ये वाला सिंबल हो गया, आर की पत्नी एस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। आप देखिए अब पूछा क्या गया, एस की कोई पुत्री नहीं है, एस की कोई पुत्री नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी समझा रहा हूं,
एक बार समझ लिए रक्त संबंध से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। आर के दो बच्चे हैं एम और एन, आर की पत्नी एस है, एस की कोई पुत्री नहीं है, एस की कोई पुत्री नहीं है तो क्या आएगा ये प्लस प्लस, यानी कि बेटे ही होंगे। जब यह पुत्री साफ साफ बोल दिया है कि मेरी पुत्री ही नहीं है तो कहां से पुत्री होगी, दो ही बेटे तो होंगे ना, तो इनके दो बेटे हैं और इसकी पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। अब पूछा गया है पुत्री नहीं है तो एन से एस का क्या संबंध है, एन से एस का क्या संबंध है, एन से एस का क्या संबंध है, एन का एस का क्या संबंध है, क्या संबंध है भाई, चलिए बताइए। ये तो इनकी माँ ही होगी ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये माँ होगी, ये आपका पुत्र होगा। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लोग बनाना। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, सी और बी की माँ ए है, सी और बी की माँ ए है, क्या समझ में आया, सी और बी की माँ ए है, ये और ये, ठीक है, सी और बी की माँ ए है, ठीक है, माँ बोल दिया है तो ये आपका डायरेक्ट माइनस में रहेगा सिंबल में। यदि सी की पत्नी बी है, यदि सी की पत्नी, सी की पत्नी बी है तो ये क्या होगा, पति होगा और इनका क्या होगा, पुत्र होगा, ए का पुत्र होगा और इसकी पत्नी डी है। अब पूछा क्या गया है तो ए का डी से क्या संबंध है, ये वाला यहां से ए का डी से क्या संबंध है, ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी सास या ऑप्शन डी चाची, है ना। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन कहते हैं कि सी और बी की माँ ए है, सी और बी की माँ ए है, लेकिन यहां पर देखिए प्लस है कि माइनस है ये अभी मालूम नहीं है इनका, इसको छोड़ दो, सी की पत्नी डी है और डी से ए का संबंध पूछा गया, ना कि इससे कोई मतलब नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा इनकी सास होगी, ये क्या होगी इनकी सास, तो क्या आएगा आंसर सास, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सास होगी, जबकि अगर ए से पूछता तो ये इसकी क्या होती बहू, क्या होती बहू। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो जो है बहुत लोगों के पास पहुंच सके और इसकी क्लास ले सके, ठीक है। तो ये महिला परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक से दो नंबर प्रश्न पूछ सकता है, एक बार रिविजन करके जाइएगा, है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।